तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक काफी बेहतरीन हॉरर सुपर फिल्म को जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है जिसका नाम है टिदर्ड मूवी काफी इंटरेस्टिंग है काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका आपको एंड में जो ट्विस्ट मिलता है जो असली पत्ते मिलते हैं वो तो बहुत ही भयानक है देखने में मजा आ जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी की आवाज को सुन पाते हैं जो कि अपने बेटे से कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी इस आवाज को सुनो पर अगर तुम इस वॉइस नोट को सुन रहे हो तो मतलब तुम जंगल में रहने आ चुके हो तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों शहर से दूर जंगल में रहेंगे ताकि तुम वहां सेफ रह पाओ और तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक हो पाए जो कि समय के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही है जिसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सोलमन और वो देख नहीं सकता था सोलोमन अपने घर के बाहर बैठकर जार में कीड़ों को पकड़ रहा होता है और तभी उसकी मां निडिया उसे ये कहती है कि हमारे शिकार पर जाने का वक्त हो चुका है यानी कि ये लोग जंगल में आ चुके थे जो कि के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे जिसके बाद सोलोमन अपने शरीर में एक रस्सी को बांध लेता है जिसका सिरा उसके घर से बंधा हुआ था और ये इसलिए था ताकि सोलोमन सही सलामत बिना किसी मदद के अपने घर खुद से आ सके खैर यहाँ से दोनों जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि निडिया ने पूरे जंगल में जानवरों के लिए कई सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे जिससे की उनके रोज के खाने का जुगाड़ हुआ करता था निडिया अब सोलोमन को एक स्टिक भी देती है और ट्रैप्स को चेक करने के लिए कहती है ताकि सोलोमन को ये पता चल सके कि वो ट्रैप्स के नजदीक आ चुका है इसलिए नेडिया ने ट्रैप्स के ऊपर खाली कैन के बॉटल्स भी लगाए हुए थे जिसको टच करने से उसको पता चल सकता था कि वो ट्रैप्स के नजदीक आ चुका है और अब उसे आगे आगे बढ़ना होगा अब आगे सोलमन अपने स्टिक से ट्रैप्स ट्रैप्स को चेक करता है लेकिन ऑलमोस्ट सभी ओपन रहते हैं और उनमें कोई भी जानवर नहीं फंसा था लेकिन यहाँ पर इन्हें एक ट्रैप से एक बड़ा सा छचुंदर मिल जाता है जो की अब इनका खाना बनने वाला था अब घर पर नेडिया सोलोमन को जानवरों से मीट निकालना और उन्हें सही तरीके से काटना भी सिखाती है जिसके बाद नेडिया सोलोम को जंगल की तरफ ले जाती है और उसे कुछ मीट का टुकड़ा जंगल में फेंक देने के लिए, के लिए कहती है जिस पर सोलोमन बिना किसी सवाल किए ऐसा ही करता है और मीट का टुकड़ा जंगल की तरफ फेंक देता है अब अगले दिन नेडिया सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है और इसलिए आज हम फिशिंग करने जाएंगे और आज केक भी बनाएंगे और इस चीज को सुनकर सोलोमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जिसके बाद दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें काफी समय तक कोई फिश नहीं मिलती और इस वजह से सोलोमन वर्म्स को ढूंढने के लिए वहां से दूर चला जाता है जहां पर ढूंढते हुए उसके हाथ में कुछ लोहे की चेन्स आती हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चेन्स हर जगह फैली हुई थी तभी निडिया वहां पर आ जाती है और सोलोमन चेयर्स को छोड़कर निडिया को वो वर्म्स दिखाता है जो कि उसने पकड़े थे जिसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं अब घर पर निडिया केक बनाती है जिस पर लगी हुई कैंडल्स को सोलोमन ब्लो करता है और कुछ विश करता है निडिया जब उससे उसकी विश के बारे में पूछती है तो वो उसे बताने से मना कर देता है कि इससे विश पूरी नहीं होगी खैर कुछ ही देर के बाद में नेडिया सोलोमन को एक बेबी गोट की कहानी सुनाती है कि एक दिन बेबी गोट अपने घर से दूर चला गया था और उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया उस वक्त किसी तरह बेबी गोट ने अपनी जान बचाई और वापस घर लौट आया जिसके बाद वो कभी घर से दूर नहीं जाता था अब यहाँ पर निडिया की इस कहानी को बताने के पीछे एक मकसद था कि सोलोमन अपने घर की इम्पोर्टेंस को समझे और कभी भी गलती से इस घर से दूर ना चला जाए जिसके बाद निडिया सोलोमन को सुलाकर घर से बाहर चली जाती है जबकि उस वक्त बाहर बहुत ही खतरनाक बिजलियां गिर रही थी पर फिर भी निडिया जंगल की तरफ बढ़ती रहती है और हमेशा के लिए सोलोमन को अकेला छोड़कर चली जाती है अब हम कई सालों के बाद की कहानी देखते हैं जहां पर यह लड़का सोलोमन बड़ा हो चुका है और निडिया अब तक वापस नहीं लौटी है अब सोलोमन ज्यादा समय अपनी माँ की वॉइस टेप्स को सुनता रहता है जिसके अंदर उसकी माँ ने उसे जंगल में रहने के सारे रूल्स बताए थे जो की तीन रूल्स थे अब सोलोमन फिर जंगल में लगे हुए ट्रैप्स को चेक करने जाता है और तब हम निडिया के वो तीन रूल्स को जान पाते हैं जो कि उसने सोलोमन को बताए थे ताकि वो जंगल में उसके बिना भी सरवाइव कर पाए पहला रूल ये था कि जंगल को उसका खाना देना होगा यानी कि जो भी खाना सोलमन जंगल से लेकर आएगा उसे उसका कुछ हिस्सा जंगल को वापस देना पड़ेगा दूसरा रूल था कि जब भी भी सोलमन निराश हो जाए या दुखी हो जाए तो वो उस सॉन्ग को गाएगा जो कि वो और उसकी माँ मिलकर गाया करते थे और तीसरा और फाइनल रूल ये था कि सोलमन कभी भी घर से जुड़ी हुई रस्सी के बिना घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वही उसके घर लौटने का एकमात्र जरिया था अब सोलोमन बचपन से ही इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहा था और आज भी वो हमेशा की तरह ट्रैप्स को चेक करने जाता है जहां पर उसे ट्रैप से कोई जानवर नहीं मिलता पर किसी तरह वो अपने लिए एक फिश पकड़ने में कामयाब हो जाता है कुछ देर के बाद में सोलोमन अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि ये कैसी जिंदगी वो जी रहा है तभी उसे जंगल की तरफ से लोहे के चेन्स के घसीटने की आवाज आती है जैसे कि कोई उस चेन को मूव कर रहा हो पर सोलोमन किसी वजह से जंगल में चेक करने नहीं जाता अब उसी रात सोते हुए उसे एक गोट की आवाज आती है जैसे की वो दर्द में हो अब सोलोमन फिर नीचे जाकर देखता है तो उसको ये पता चलता है की उसकी बकरी मर गई है पर तभी हम ये देख पाते हैं की गोट की डेड बॉडी को कोई तुरंत ही जंगल में खींच लेता है और सोलोमन को ऐसा फील होता है जैसे कि किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा अब अगले दिन वो हमेशा की तरह खाने के लिए जंगल में ट्रैप्स को चेक करने जाता है जहाँ पर आज भी सारे ट्रैप्स खाली थे सोलोमन वहां पर निराश होकर बैठ जाता है कि तभी उसे उसे कहीं से गोली चलने की आवाज आती है है जब वो उस तरफ जाकर देखता है तो वहां पर हिरन मरे हुए दिखाई देते हैं अब उसी वक्त उसे पीछे से किसी की आवाज आती है कि वो हिरन मेरा है जिसके बाद वो आदमी सोलोमन के पास आने लगता है अब वो खुद को बचाने के लिए एक चाकू निकाल लेता है लेकिन वो आदमी अपनी गन से उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है जिसके बाद जब सोलोमन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाता है और वो आदमी उसके सामने बैठा था अब ऑब्वियस बात है सोलोमन को दिखाई नहीं देता और इसी के चलते उसने चाकू निकाल लिया था अब वो आदमी अपना नाम हैंक बताता है और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ तुम रहते कहाँ पर हो जिस पर सोलोमन उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे तक कैसे पहुंचे जिस पर हैंक उसको बताता है कि मैंने आते हुए तुम्हारे घर को देखा था जहाँ पर लगी हुई रस्सी के जरिए मैं तुम्हारे पास आ गया अब हैंक आगे कहता है कि अगर तुमको भी खाने के लिए चाहिए तो तुम इस डियर से कुछ खाने के लिए ले सकते हो बस इसके बदले में तुम्हारे साथ रहूंगा और ऐसा हैंक इसलिए कहता है क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी और उसे डर था कि वो जंगल में भटक ना जाए और जंगली जानवर वहां पर हो सकते थे तो यहां पर जान का भी खतरा था जिस पर सोलोमन थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है क्योंकि उसके ट्रैप्स में कोई भी जानवर नहीं फंसा था जिसके चलते उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था अब आगे हैंक उसे उसका चाकू वापस कर देता है जिसके बाद दोनों घर लौट आते हैं अब घर पर हैंक रात के लिए डिनर बनाने लगता है और साथ में सोलोमन के घर को भी चेक करता है जहां पर उसे उसकी स्टोरी बुक मिलती है जो कि निडिया सोलोमन को बचपन में सुनाया करती थी अब डिनर करते वक्त हैंग सोलमन से ये कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हारे पास अब ज्यादा खाने के रिसोर्सेस नहीं हैं तो सुबह तुम मेरे साथ चलना मैं तुम्हें एक सेफ और अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा पर यह सुनते ही सोलोमन इसके लिए सीधा मना कर देता है और इनडायरेक्टली कहता है कि मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा खैर खाना खाने के बाद में दोनों सोने चले जाते हैं कि तभी अचानक से आधी रात में जंगल की तरफ से कई डरावनी और भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें इतनी तेज थी कि इससे दोनों की अचानक से नींद खुल जाती है जिसके बाद हैंक अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाता है पर तब तक आवाजें रुक गई थी अब हैंक फिर घर में जाकर फ्लैश लेकर आता है ताकि वो जंगल में जाकर देख सके की वहां पर हुआ क्या है जिसके लिए सोलोमन उसको मना करता है लेकिन हैंक तब तक वहां से जा चुका था अब आगे जंगल में हैंग को एक मरा हुआ भालू दिखाई देता है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ ही देर पहले किसी ने मारा है अब उसी की तलाश में हैंग थोड़ा आगे जाता है जहां पर उसे कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि दिखने में इंसान तो लग रहा था लेकिन वो इंसान था नहीं क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे भालू को इतनी बुरी तरह नहीं मार सकता था अब हैंग फिर उस फिगर को पॉइंट करते हुए वहां शूट करता है जिसके अगले ही पल वो फिगर उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आने लगता है जिसको देख कर हैंक बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो भागते हुए घर लौट कर आता है घर आकर हैंक ये बात सोलोमन को बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस फिगर के बारे में या क्रीचर के बारे में कुछ पता है जिस पर सोलोमन का कोई जवाब नहीं आता और वो डरा हुआ अकेले बैठा हुआ था अब अगली सुबह हैंक सोलोमन से फिर से वही सवाल पूछता है कि उस क्रीचर के बारे में उसे क्या पता है लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता अब हैंक फिर सोलोमन से यह कहता है कि मैं तुम्हें मीट को प्रिजर्व करना सिखा सकता हूं जिससे कि तुम उसे लंबे समय तक खाने के लिए स्टोर कर पाओगे जिसके लिए सोलोमन भी मान जाता है अब हैंग फिर उससे कुछ आयरन की चेन्स मांगता है क्योंकि उसे मीट प्रिजर्व करने के लिए स्मोकर बनाना था वैसे तो सोलोमन के घर में आयरन चेन्स नहीं थी लेकिन तभी उसे याद आता है कि बचपन में उसे जंगल में एक जगह पर लंबी आयरन चेन्स मिली थी अब सोलोमन ये बात हैंग को बता देता है जिसके बाद दोनों ही उस चेन्स को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो चेन्स मिल भी जाती हैं हैंक फिर उस चेन को फॉलो करते हुए आगे जाता है और सोलमन से ये कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो जिस पर वो उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि सोलमन से बंधी हुई रस्सी उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकती थी यानी कि ये सारी चीजें सोची समझी थी हैंक फिर उस चेन को फॉलो करते हुए कुछ ही दूरी पर जाता है और जितना चेन उसे चाहिए था वो उतना काट लेता है अब घर लौटने के बाद में सोलोमन मरे हुए डियर के मीट में से कुछ टुकड़ा काट कर जंगल की तरफ हमेशा की तरह फेंक देता है जिसको हैंक देख लेता है और वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है और इसके बारे में पूछता है कि इसका रीजन क्या है जिस पर सोलोमन कहता है कि मैं दो जनों के लिए खाना ढूंढता हूँ खुद के लिए और जंगल के लिए अब हैंक इसके जवाब में सोलोमन से यह कहता है कि शायद इसी की वजह से रात में कई जानवर यहां पर घूमते रहते हैं जो कि तुम्हारे लिए अनसेफ है और उससे भी ज्यादा भयानक है जो कि उसने कल रात को देखा जो कि वो क्रीचर था जिसने अकेले ही एक भालू तक को मार दिया और हैंक का इस बात पर यह कहना था कि उस क्रीचर को खाना देने के बजाय उसे अपने ट्रैप में पकड़ने की सोचनी चाहिए और सोलोमन को भी ये बात सही लगती है और वो हैंक से पूछता है कि तुम मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हो जिसके बाद अगले ही सीन में हैंग सोलोमन की रस्सी के आगे कुछ कपड़े बांधकर उसे और बड़ा कर देता है जिससे कि वो अपने घर से और दूसरी जगह पर जा पाए अब आगे दोनों जंगल की तरफ उस क्रीचर को ढूंढने जाते हैं जहां पर बीच रास्ते में ही सोलोमन एक जगह फिसल जाता है और उसे कोई पीछे खींचने लगता है और इस तरह से सोलोमन को कोई क्रीचर दूरी तक घसीटता रहता है और हैंक उसे बचाने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है अब फाइनली एक जगह पर आकर सोलोमन रुक जाता है और हैंक फैसला करता है की वो लोग घर वापस लौट जाएंगे क्यूँकी ये जगह सेफ नहीं थी अब घर पर हैंक को निडिया की डायरी मिलती है जो कि उसने तब लिखनी शुरू करी थी जब सोलोमन चार साल का था हैंक सोलोमन से उसे पढ़ने की इजाज़त मांगता है जिसके बाद वो सोलोमन के लिए उस डायरी को रीड करने लगता है उसके अंदर लिखी हुई सभी बातें नॉर्मली थी पर उसके आखिरी पेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसके बारे में सोलोमन को कोई आइडिया ही नहीं था आखिरी पेज पर सोलोमन की माँ और उसके डैड के बीच हुए झगड़े के बारे में लिखा था जिसकी वजह से सोलोमन के डैड उसे उसकी मॉम से दूर अपने साथ रखना चाहते थे निडिया सोलोमन को बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी जिस वजह से उसने सोलोमन के साथ जंगल में यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया था अब हैंक आखिरी पेज पर लिखी हुई कोई बात सोलोमन को नहीं बताता और उसे जाकर सोने के लिए कहता है अब सोलोमन के वहाँ से जाने के कुछ घंटों के बाद हैंग एक बड़ा सा ट्रैप लेकर जंगल की तरफ चला जाता है ताकि वो उस क्रीचर को मार सके जो कि उन्हें परेशान कर रहा था अब उसी खोज में हैंग एक, एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे और वहीं से कुछ ही दूरी पर लकड़ियां और पेड़ से बना हुआ टेंट भी होता है और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे जानवर कहाँ जा रहे थे अब हैंक जब उस टेंट के पास जाता है तो उसे वहां पर एक नोटबुक मिलती है जिस पर एक ही चीज हर पेज पर लिखी थी आई एम सॉरी दूसरी तरफ सोलोमन हैंक को ढूंढता हुआ उसको आवाज लगाता है लेकिन उसे हैंक वहां नहीं मिलता अब वो फिर अपनी माँ की ऑडियो टेप को सुनने लगता है और तभी उसे जंगल से एक गोली चलने की आवाज आती है सोलोमन फिर जंगल में जाता है जहां पर उसे हैंक की डेड बॉडी महसूस होती है और फिर हमें मूवी का सबसे शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम निडिया को अपने बेटे सोलोमन के सामने खड़ा देख पाते हैं जी हाँ जो कि लगभग किसी जानवर में बदल चुकी थी अब निडिया सोलोमन को देखते ही उसकी तरफ हमला करने के मन से भागने लगती है पर उसके पैरों में लगी हुई आयरन चेन्स हैंग के ट्रैप में फंस जाती हैं जिससे कि वो वहीं पर रुक जाती है और अब आपको समझ में आया होगा की आयरन चेन्स किस लिए थी यानी कि ये उसके खुद के लिए थी अब सोलमन वहां पर डर में खड़ा हुआ उसी सॉन्ग को गाने लगता है जिसको सुनते ही निडिया काफी बदल जाती है जैसे कि उसे याद आ रहा था कि सोलमन उसका बेटा है और उस वक्त सोलमन भी समझ जाता है कि उसके सामने उसकी माँ है अब निडिया उस चेन को तोड़ देती है और जाकर अपने बेटे को गले लगा लेती है पर सोलोमन अपने हाथ में रखे हुए चाकू से अपनी ही मां निडिया को कई बार स्टैप करता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है अब मूवी के एंडिंग सीन में हम सोलोमन की भी खराब होते हुए देख पाते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि निडिया की तबियत खराब हो रही थी जिसके बाद अचानक से ही सोलोमन की आंखें खुलती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो अब देख सकता था लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल निडिया की तरह बदल चुकी थी और बूम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है अब देखो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपको एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी और आपके दिमाग में काफी सारे सवाल भी आ रहे होंगे तो मैं इसकी एक समरी आपको क्लियर करता हूँ तो देखिए निडिया को किसी तरह का कर्ज था या फिर उसके खानदान में ऐसा कुछ था तभी उसके पिता यहाँ पर अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते थे जिस वजह से वो एक क्रीचर में बदल रही थी और जब ये बात सोलोमन के डैड को पता चली तो उन्होंने सोलोमन को उससे अलग करने की कोशिश करी लेकिन निडिया सोलोमन को अपने साथ जंगल ले आई अब मूवी के अंदर हमको ये नहीं बताया गया है कि सोलोमन के डैड का क्या हुआ तो मेरे हिसाब से निडिया ने ही उनको मार दिया होगा क्योंकि वो सोलोमन को उससे अलग कर रहे थे या फिर हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर निडिया के साथ हुआ ऐसे ही यहाँ पर सोलोमन के डैड के साथ हुआ होगा वो भी एक भयानक क्रीचर में कन्वर्ट हो गए होंगे और यहाँ पर निडिया उनको ही खाना फेंकती थी ताकि वो क्रीचर में कन्वर्ट होकर इन दोनों पे हमला ना करें अब जंगल के अब सेम यहां पर उसके बेटे ने कर दी अपनी माँ के साथ में तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर अब ये सब सोलोमन के साथ भी होगा लेकिन अब उसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है यानी कि अब वो आजाद पंछी की तरह या फिर आजाद इविल की तरह इस जंगल में घूमेगा एंड बात करें निडिया के बारे में तो उसको सारा सच पता था इस कर्ज के बारे में पता था कि वो भी अब एक भयानक जानवर में बदलने वाली है इसलिए उसने सोलोमन को जंगल के बाकी जानवरों से और खुद से सुरक्षित रखने के लिए पूरी प्लानिंग करके रखी थी ताकि सोलोमन एक पर्टिकुलर दायरे से कभी बाहर ना जा पाए वो आयरन चेन्स निडिया को बांध कर रखने के लिए थी ताकि वो कभी भी सोलोमन पर हमला ना करे और उसने सोलोमन को यह सिखाया था कि वो अपने खाने का कुछ हिस्सा जंगल को देगा ताकि निडिया को खाना मिलता रहेगा और खाना ना मिलने की वजह से वो एग्रेसिव होकर चेन्स तोड़कर जंगल से बाहर नहीं जाएगी और इसलिए आप गौर कर पाएंगे कि निडिया ने जब भी किसी जानवर का शिकार किया था जैसे कि गोट या फिर बियर का तो वो उसने उसी रात किया था जब सोलोमन ने जंगल में खाना नहीं फेंका यानी कि उसके ट्रैप के अंदर कोई नहीं फंसा था यानी कि उसकी बकरी को किसी और ने नहीं बल्कि निडिया ने ही मार कर जंगल में खींच लिया था अब एंडिंग की बात करें तो सोलोमन ने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि उसको यह समझ में आ गया था कि अब ये उसकी माँ नहीं बल्कि एक क्रीचर है जो कि खतरनाक है सबके लिए पर निडिया के मरने के बाद वो कर्ज जो कि निडिया को क्रीचर बना रहा था वो अब सोलोमन के ऊपर आ गया था यानी अब या वो देख तो सकता है लेकिन जल्दी ही वो पूरी तरह से क्रीचर में बदल जाएगा एंड ऑब्वियस करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टीदर्ड फिल्म अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए